हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मजे में होंगे। वैसे दोस्त, अगर आप भी Realme P2 Pro स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फीचर्स शेयर करूंगा इस फ़ोन के जो कि काफ़ी कमाल के हैं। आपका स्मार्टफोन पहले से स्मार्टफोन है, बट इन फीचर्स को यूज़ करोगे आपका फ़ोन और भी स्मार्ट हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर जीरो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है। अगर वी ड्रॉ करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन हो गया। अगर वापस से वी ड्रॉ करते हैं, फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। और इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते समय किसी भी वीडियो का यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं। एंड उस वीडियो का पूरा डिटेल निकालने के लिए हम यहीं से इजीली गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल कमाल के फीचर इस फ़ोन के अंदर दिए गए हैं। सारे फीचर आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए प्लीज़ दोस्त लाइक कर देना। तो शुरुआत करें सबसे पहले फीचर से। आप इस फ़ोन के डिस्प्ले को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेटिंग में आना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉर्नर से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर यहाँ पर दिए गए हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इसे ऑन करके ना यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन दिए गए हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहीं पे नीचे की तरफ थीम्स का भी ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा थीम्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फ्रंट को यहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आइकन शेप को भी अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर क्विक सेटिंग करके एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बार है, जो उसका आइकन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। 5-6 यहाँ पर एनिमेशन ऐड किए गए हैं फिंगरप्रिंट के, जो आपको पसंद आए यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्त, आप जैसा चाहो वैसा इस फोन के डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहीं पे बात करें सेकंड फीचर के बारे में, तो यहीं पे नीचे की तरफ एक और ऑप्शन दिया गया है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, एक ऑप्शन ऐड किया गया है, डबल टैप टू लॉक। इसे यहाँ से ऑन कर देते हैं ना, तो अगर आप डिस्प्ले के होम स्क्रीन पे हो और डिस्प्ले के ऊपर आप डबल टैप करते हो, आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर मैं वापस से टैप करता हूँ, देखो फ़ोन लॉक हो गया। और इसी के साथ आप डिस्प्ले के पूरे कलर को भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड किया गया है, स्क्रीन कलर मोड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखोगे सर्कल टाइप में रेनबो टाइप का कलर दिया गया है, मतलब 7 कलर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके ना, आपको जो भी कलर में पसंद है डिस्प्ले, यहाँ से आप डिस्प्ले के कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्त, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं जो एप्लीकेशन को क्लोन करके यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ना नीचे ऐप्स के अंदर आना पड़ेगा। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप क्लोनर करके। अब यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन का ना क्लोन एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे मुझे व्हाट्सअप का बनाना है, तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे, एक फ़ोन में 2 व्हाट्सअप यहाँ पर चला सकते हैं। एंड दोस्त, कुछ यूज़र ऐसे भी होते हैं जो ऐप लॉक का यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन को हाइड करके रखते हैं, तो आप लोगों के लिए भी फीचर दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे आपको ना सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना पड़ेगा। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ ना हाइड ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो, जिसके लिए ना आपको एक कोड सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर सेटिंग में जाकर चेंज कोड एक्सेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोड सेट कर सकते हो। अब उस कोड को ना आप डायल पैड पे यहाँ पर इंटर करोगे, आपने जो भी एप्लीकेशन लॉक करके रखा है या हाइड करके रखा है, वो सारे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि इस फोन को मैं 20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और पिछले इन 20 दिनों में मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा है क्लियर वॉइस का। इस फीचर को ऑन करने के लिए ना आपको सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन सेक्शन में थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे क्लियर वॉइस का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस फीचर को ऑन कर देते हो तो इस फीचर का बेनिफिट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सामने वाले बंदे को जाता है, तो इस फीचर को ऑन करने से ना पूरा कॉल के अंदर नॉइज़ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आपका आवाज़ ही सामने वाले को जाता है। और इसी के साथ एक और अच्छा फीचर दिया गया है सेटिंग में, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वर्सेशन में 3rd नंबर पे ना AI स्मार्ट लूप करके एक फीचर दिया गया है। इसे ऑन कर देते हैं तो हम फ़ोन में कुछ भी यूज़ करते रहें। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे अगर वीडियो देख रहा हूँ तो यहाँ पर इस रील्स के अंदर ना मुझे ये वाला पार्ट शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पर मैं टैप करके रखूँगा, व्हाट्सअप पे जाऊँगा एंड मुझे जिसे शेयर करना है मैं उसे आसानी शेयर कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया है।
और एक अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि किसी भी चीज़ का डिटेल निकालना हो यहाँ पर आप टैप कीजिए, गूगल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ले जाकर छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा गूगल पे सर्च करके कि उस रील्स में, उस वीडियो में कौन सा आदमी है, उसका क्या डिटेल है, क्या बैकग्राउंड है, मतलब सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और एक्सेसिबिलिटी में एक दो फीचर और ऐड किए गए हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे आपको गेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ ना एक फीचर दिया गया है ऑफ स्क्रीन गेस्चर, इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला फीचर है जीरो ड्रॉ करके, मतलब इसे ऑन कर देते हो ना तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर जीरो ड्रॉ करते हो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। देखो मैं वापस से जीरो ड्रॉ कर रहा हूँ, कैमरा ओपन हो गया। एक टाइम और ट्राई करते हैं, यहाँ पर जीरो ड्रॉ करते हैं, देखो कैमरा ओपन हो गया। तो ये फीचर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यहीं पर नीचे की तरफ एक फीचर दिया गया है ड्रॉ वी एंड टर्न ऑन लाइट, मतलब ना यहाँ पे ऑफ स्क्रीन पे वी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन हो गया, वापस से वी ड्रॉ करते हैं फ्लैश लाइट ऑफ हो गया, ड्रॉ किया वी, यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन, वी वापस से ड्रॉ किया फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। तो इन दोनों फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। एंड फाइनली अब बात करें सबसे लास्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ एक मोड दिया गया है जीटी मोड, अब इसे अगर आप ऑन कर देते हो ना तो आपका फ़ोन बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप जीटी मोड को ऑन करके फ़ोन यूज़ करोगे बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, मतलब बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस आपको पहले से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ जब भी आप फ़ोन के अंदर गेम खेले तभी इस जीटी मोड को ऑन करें, नहीं तो वैसे इस जीटी मोड को ऑफ ही रखिएगा। सो दोस्त फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के फीचर्स के ऊपर, एंड ये फीचर मैंने काफ़ी दूर दूर के निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड मैं अपने वीडियो के अंदर कोई गलती कर रहा हूँ उस गलती को आप लोग बताओ, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।